स्ट्रेंथ और ये भी बहुत ही आसान सा पार्ट है, और हर साल इसे एक क्वेश्चन आता है बेसिक स्ट्रेंथ से। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे एक क्वेश्चन आता ही रहता है हर साल नेट के पेपर में। अब देखना कि बेसिक स्ट्रेंथ अगर कोई भी कंपेयर करना हो किसी भी दो बेस में या तीन बेस में, तो RNH2, ध्यान से देखोगे इसको भी। अब RNH2 आ रहा है यहाँ पे, और RNH2 नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है किसी भी एच प्लस को। तो एक हम लोग पढ़े थे लुईस एसिड और लुईस बेस, तो लुईस बेस का क्या था डिफिनेशन, लोन पेयर डोनर। याद करो लुईस बेस क्या था, लोन पेयर डोनर, और लुईस एसिड क्या था, लोन पेयर एक्सेप्टर। एक लुईस बेस की तरह काम करता है यहाँ पे। अब किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसी एच प्लस को, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी एच प्लस को डोनेट कर रहा है यहाँ पे, एच प्लस को डोनेट कर रहा है यहाँ पे है, तो ये क्या बन जाएगा, RNH3 पॉजिटिव चार्ज। अभी दो ही एच था, अपना एक लोन पेयर एच को डोनेट करके एच के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि एच प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थी, RNH3+ बन जाएगा जब अपना एक लोन पेयर डोनेट करेगा, तो नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन भी आकर के एसोसिएट हो गया। ये अगर कोई बेस है, और कोई बेस अगर एच प्लस को अपना लोन पेयर डोनेट करे, तो एच प्लस को यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, लोन पेयर को डोनेट करके एच प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, और किसी बेस में अगर एच प्लस आकर के अगर एड हो जाए, तो बनने वाला जो स्पेसीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंजुगेट एसिड, लोगों ने पढ़ रखा है। कि अगर किसी एसिड में से एच प्लस को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो वो कंजुगेट बेस, और किसी बेस में से एच प्लस को एड कर दिया जाए, एच प्लस को एड कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है, कंजुगेट एसिड। अब जो बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने का सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे है, तो जैसे कि हम लोग वहां पे चेक कर रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ, तो वहां पे के का वैल्यू जितना ज्यादा था उतना ही उस एसिड का बेसिक स्ट्रेंथ था, उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड था वो। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, केबी। अगर केबी का वैल्यू अगर ज्यादा है, यहाँ पे स्टेप्स नोट कर लेते हैं, केबी का वैल्यू ज्यादा है, दैट मीन जो बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा उसका ज्यादा, केबी का मतलब क्या रहा, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, के स्ट्रॉन्गर बेस है, बेसिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है दैट मीन उसके लिए केबी का वैल्यू ज्यादा होगा। पीछे हम लिख रहे थे के एसिड के केस में, यहाँ पे केबी, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे चेक कैसे करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे लोन पेयर डोनेट कर रहा है और एच प्लस को, और ये कंजुगेट एसिड बना रहा है। तो अगर याद हो कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ में लोग पढ़े थे, सबसे पहला काम क्या करते थे, कंजुगेट बेस बनाते थे। कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, दैट मीन्स वो जो एसिड होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पे तो उसका उल्टा, कंजुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ये एक स्ट्रॉन्गर बेस हो पाएगा, या हम लोग दूसरे तरीके से चेक करते हैं यहाँ पे, केबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, लोन पेयर डोनेटिंग कैपेबिलिटी, लोन पेयर डोनेटिंग कैपेबिलिटी। लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो केबी के लिए क्या चेक करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ या केबी, मैंने ऊपर में लिख रखा है बेसिक स्ट्रेंथ दैट मीन्स केबी। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, जिसका कि लोन पेयर डोनेट करने का कैपेबिलिटी क्या होगा, लोन पेयर डोनेटिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होगा, उसी के लिए केबी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। अब वो कैसे चेक करेंगे हम लोग, इसके लिए हम पीछे पढ़ रखे हैं आपको GOC 1 में, उसी का हम लोग GOC 2 जो है बेसिकली GOC 1 का एप्लीकेशन है, पीछे का ही हम लोग अप्लाई करेंगे सारा कंसेप्ट। तो बेसिक स्ट्रेंथ केबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर डोनेटिंग कैपेबिलिटी, बस पूरे बेसिक स्ट्रेंथ में बस एक ही यही पॉइंट याद रखना है, जो स्पेसिस अपना लोन पे इजिली डोनेट कर पाएगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ केबी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसका भी अलग अलग फैक्टर्स है, तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ। तो
जैसे कि हम लोग एसिड रेजिस्टेंस का अलग अलग फैक्टर देखे थे, किन किन फैक्टर पे एसिड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता था। सिमिलरली बेसिक स्ट्रेंथ का भी अलग अलग फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ। फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ, यहाँ भी जो पहला फैक्टर होगा वो लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। बेसिक स्ट्रेंथ दैट मीन्स के बी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कुछ याद हो, जब सेम पीरियड का एलिमेंट हो तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर चेक कर रहे थे। दैट मीन्स इन अ पीरियड, इस टाइप लिख सकते हो यहाँ पे, इन अ पीरियड, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, और उसका इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट जाने के बाद, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू अगर इंक्रीज करता है तो लोन पेयर डोनेटिंग कैपेबिलिटी, लोन पेयर डोनेटिंग कैपेबिलिटी कम रहेगा। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, और लोन पेयर डोनेटिंग कैपेबिलिटी कम होगा दैट मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ केबी का भी वैल्यू क्या होता है, कम होता है। इस एरो का मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और केबी डाउनवर्ड एरो लगाया गया, दैट मीन्स केबी का वैल्यू कम होगा। एग्जाम्पल से एक पॉइंट क्लियर हो पाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे CH3 लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज है, NH2 माइनस है, OH माइनस और F माइनस, हर एक के पास लोन पेयर है, एक लोन पेयर तो है ही सबके पास, बाकी कितना किसके पास कितना लोन पेयर प्रूफ हो सकता है। अब यहाँ पे सोचना है कि CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है यहाँ पे कि KB का जो ऑर्डर होगा वो क्या रहेगा यहाँ पे। अब सोचना है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे पॉइंट को, यहाँ पे लोन पेयर कहाँ पे आ रहा है, कार्बन पे, यहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे लोन पे, और यहाँ पे क्लोरीन पे। अब देखना इस केस में यहाँ पे कि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहाँ पे है, मोर इलेक्ट्रॉनिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सही है, जो कि क्या आ रहा है, फ्लोरिन आ रहा है। तो फ्लोरिन पे लोन पेयर ज्यादा स्टेबल है, और लोन पेयर अगर ज्यादा स्टेबल है तो अपना लोन पेयर वो इजिली डोनेट नहीं करना चाहता है, और जो लेस स्टेबल है लोन पेयर जहाँ पे, वो अपना लोन पे इजिली डोनेट करेगा वहां पे। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि जो ऑलरेडी स्टेबल है तो अपना लोन पेयर क्यों डोनेट करना चाहेगा, और जो अनस्टेबल है वो अपना लोन के लिए डोनेट करना चाहता है यहाँ पे। दैट मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर रहेगा, जो अपना लोन पे लिए डोनेट कर रहा है, दैट मीन्स CH3 माइनस अपना लोन पे लिए डोनेट करेगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, देन NH2 माइनस, NH2 माइनस, देन OH माइनस, और लास्ट में F माइनस। तो पीछे का जो कंसेप्ट हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं, पता है कि नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ज्यादा स्टेबल कहाँ पे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, दैट मीन्स ये स्टेबल है, और नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल कहाँ पे होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। और जहाँ पे लेस स्टेबल लोन पेयर है तो अपना लोन पे इसलिए डोनेट कर पाए, किसको डोनेट करेगा, किसी H+ को, ऊपर जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, किसी H+ को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। और जितना इजिली लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी होगा, कैपेबिलिटी होगा, उतना ही उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि उतना ही इजिली वो कंजुगेट एसिड बना पाएगा। तो इस लॉजिक से हम लोग सिंपली से सोच पाएंगे। इसी में एक एग्जांपल और आ जाए, SiH3 माइनस, PH2 माइनस, SH माइनस, और यहाँ पे Cl माइनस हो, इसमें भी मुझे यहाँ पे KB का ऑर्डर बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा इस केस में। तो सिंपली पहले सोचना है कि सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ऊपर वाला सेकंड पीरियड का एलिमेंट आ रहा था, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो एक पीरियड की बात कर रहा हूँ, वहां पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर चेक कर रहे हैं जब सेम पीरियड का एलिमेंट हो। तो
यहाँ भी जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इंक्रीज होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन का, और यहाँ पे लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज। सबके पास अंडरस्टूड है कि लोन पेयर तो कम से कम है। यहाँ पे जो लोन पेयर डोनेटिंग कैपेबिलिटी होगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा, सिलिकन का, क्योंकि क्लोरीन का तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, यहाँ पे लोन पेयर सबसे ज्यादा स्टेबल। दैट मीन्स SiH3- माइनस का सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ KB का वैल्यू, देन PH2- माइनस, देन SH- माइनस, देन Cl- माइनस। इस टाइप से हम सोच पाते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कैसे सोचना है इसको बेसिक स्ट्रेंथ। सेकेंड फैक्टर है यहाँ पे साइज का, इसको प्रॉपर नोट भी करते जाओ। तो सिंपल सा है, जब भी सेम पीरियड के एलिमेंट पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसमें कंपेयर करना हो तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर देखते हैं। और ये पॉइंट तो हमेशा याद रखना है कि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहाँ पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे, और जो ज्यादा स्टेबल दैट मीन्स लेस बेसिक, तो अपना लोन पेयर भी डोनेट नहीं कर पाएगा। चलो सेकेंड फैक्टर देखते हैं यहाँ पे हम लोग साइज का। नोट कर चुके होगा यहाँ तक सब लोग। सेकेंड फैक्टर है साइज, इसका भी हम लोग एग्जाम्पल से अगर देखें यहाँ पर, पहले माइनस Cl- माइनस, Br- माइनस, और ये क्या रहा I- माइनस। अब यहाँ पे सोचना था, यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, तो साइज का फैक्टर कब देखते हैं, जब सेम ग्रुप का एलिमेंट हो, सेम ग्रुप एलिमेंट। सेम ग्रुप एलिमेंट हो और उस पर लोन पर या नेगेटिव चार्ज हो बेसिक स्ट्रेंथ उसमें कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे साइज का फैक्टर देखेंगे। अब यहाँ पे केबी का ऑर्डर बताना है, यहाँ पे भी सोचना है सेम फैक्टर है, यहाँ पे हर एक एटम पे क्या है, तीन तीन लोन पेयर है, वो अंडरस्टूड है, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सब पे तीन तीन लोन पेयर है। अब यहाँ पे सोचना है कि लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ पे, क्लोरीन पे या फिर आयोडीन पे। आयोडीन, आयोडीन पे। सही है सब लोगों के। यहाँ पे साइज का फैक्टर है, और हम लोग पॉइंट पढ़ चुके थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ही कि लार्जर साइज एटम पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, और जब ये ज्यादा स्टेबल हो गया आई माइनस तो अपना लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, यही लॉजिक है। तो दैट मीन्स क्लोरीन का जो लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज ये लेस स्टेबल है, ये अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर पाएगा, और अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर पा रहा है दैट मीन्स इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, एफ माइनस, देन सी एल माइनस, देन बी आर माइनस, देन आई माइनस। इस टाइप से लोग बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर पाते हैं यहाँ पे। या एक नोट और भी लिखना था यहाँ पे है, बेस्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड इज वीक बेस। एक ये भी पॉइंट याद रखना हमेशा कि कोई भी अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उससे बनने वाला जो कंजुगेट बेस होता है वो क्या होता है, वीक बेस होगा। इसको हम इसी लॉजिक से समझ सकते हैं इस पॉइंट को यहाँ पे, जैसे कि एच एफ था, एच सी एल है, एच बी आर है और एच आई है, इस चारों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, याद हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। एच आई, एच आई सही है, एच आई क्या स्ट्रॉन्गर एसिड है। और जो एच आई अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है, जिनको नहीं पता पीछे रिवाइज कर लोगे, एच आई और स्ट्रॉन्गर एसिड है, इससे बनने वाला जो कंजुगेट बेस है वो क्या बनेगा, आई माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा, बी आर माइनस,
यहाँ पे क्या बनेगा Cl माइनस और यहाँ पे F माइनस। जो स्ट्रॉन्गर एसिड है उससे बनने वाला जो कंजुगेट बेस है आई माइनस, उसका बेसिसिटी क्या है वहां पे कम है, आई माइनस सबसे वीक बेस है। तो जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है उससे बनने वाला कंजुगेट बेस उतना ही वीक है। क्यों वीक रहता है, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल रहा होगा तभी वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। और कंजुगेट बेस अगर स्टेबल है डेट मीन्स अपना लोन पे इजिली डोनेट नहीं कर पा रहा होगा, स्टेबल बेस है वो, डेट मीन्स वो नेचर क्या होगा उसका वीक बेस होता है। इस तरीके से इस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे बस देखना है साइज का फैक्टर। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखें यहाँ पे, जैसे कि OH माइनस आ रहा हो और SH माइनस हो, इस दोनों में कंपेयर करना है स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है। NH3 हो PH3 हो, इसके पास भी लोन पेयर है, इसमें भी कंपेयर करना है स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है यहाँ पे। तो दोनों में सोचो एक मिनट क्या रहेगा वहाँ पे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर और सल्फर पे लोन पेयर, तो लोन पेयर ज्यादा स्टेबल कहाँ पे है, सल्फर पे, लार्जर साइज एलिमेंट पे। सही है, आंसर सही आ रहा है इसमें। OH का ज्यादा होगा और एक केस में फिर NH3 का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो यहाँ पे OH माइनस का जो बेसिसिटी है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, KB का वैल्यू जो रहेगा OH के लिए ज्यादा रहेगा, ऊपर सिमिलर रीजन है वहां पे। NH3 और PH3 में बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, KB का वैल्यू। तो यहाँ भी KB का वैल्यू किसका ज्यादा होगा, NH3 का, NH3 अच्छा बेस है। सोचने का तरीका, यहाँ पे सर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ पे फास्फोरस पे लोन पेयर है और लार्जर साइज एटम है, तो यहाँ पे लोन पेयर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल है, देखिए अपना लोन पे इजिली डोनेट नहीं कर पाएगा, जबकि अपना लोन पेयर इजिली डोनेट कर पाएगा किसी भी H+ को, देट मीन्स ये ज्यादा बेसिक। इस टाइप से सोचना है यहाँ पे। थर्ड फैक्टर है यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखने के हाइब्रिडाइजेशन के फैक्टर किस अफेक्ट करता है। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें अगर, तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है वो क्या रहता है, sp कार्बन का, sp कार्बन या जो भी sp हो, चाहे नाइट्रोजन भी अगर sp आ रहा हो, तो सबसे ज्यादा sp, फिर sp2 और फिर sp3, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड रहता है। अब यहाँ पे KV का जो ऑर्डर आता है यहाँ पे, कि sp3 कार्बन हो या नाइट्रोजन हो वो ज्यादा बेसिक, फिर sp2 नाइट्रोजन हो या कार्बन हो वो ज्यादा बेसिक, और फिर लास्ट में sp नाइट्रोजन। या और भी इसको ढंग से और भी हम लोग डिटेल में देखें यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा क्या रहता है, sp3 नाइट्रोजन, देन sp2 नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन कैसा हो, उसका जो लोन पेयर वो कैसा, लोकलाइज्ड, देन sp2 नाइट्रोजन, और वो कैसा आ रहा, डीलोकलाइज्ड, देन sp नाइट्रोजन आ रहा और वो क्या हो, लोकलाइज्ड, और लास्ट में sp नाइट्रोजन हो और वो कैसा हो, डीलोकलाइज्ड। इसको अच्छे से नोट पर मैं रिपीट करता हूँ कि KV का वैल्यू हम देखेंगे एग्जांपल में, sp3 नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा बेसिक, फिर sp2 नाइट्रोजन है वो ज्यादा बेसिक, फिर sp नाइट्रोजन, sp नाइट्रोजन, या फिर इसमें लोकलाइज और डीलोकलाइज को भी मिक्स कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होता है, sp3 नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा ही रहेगा किसी भी कंडीशन में। अब sp2 में दो टाइप का आ जाता है, लोकलाइज और डीलोकलाइज। तो अगर लोकलाइज है दैट मींस फिक्स नाइट्रोजन का लोन पेयर फिक्स है, दैट मींस वो ज्यादा बेसिक नेचर का हो पाएगा एज कंपेयर टू डीलोकलाइज लोन पेयर, फिर लोकलाइज sp नाइट्रोजन और फिर sp नाइट्रोजन डीलोकलाइज। हम नोट पर इसके एग्जांपल से देखते हैं इसका मीनिंग क्या एक्चुअल में। बट ये जो फैक्टर देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हर जगह हम लोग नाइट्रोजन अगर ले रहे हैं तो नाइट्रोजन होगा, या कार्बन ले रहे हैं तो फिर कार्बन होगा,
तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन का फैक्टर देखते हैं फॉर सेम एटम, सेम एटम पे लोन पेयर आ रहा हो तो फिर वहां पे हम देख पाएंगे इस तरीके से। तो हाइब्रिडाइजेशन का फैक्टर देखते हैं फॉर सेम एटम के लिए। चलो नोट कर चुके होगा यहाँ पे है। तो लास्ट पॉइंट क्या था, के बी का वैल्यू sp3 नाइट्रोजन देन sp2 नाइट्रोजन लोकलाइज्ड, sp2 नाइट्रोजन डीलोकलाइज्ड, sp नाइट्रोजन लोकलाइज्ड और sp नाइट्रोजन डीलोकलाइज्ड। इसका एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग यहाँ पे। CH3 CH2 लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड CH लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, CH ट्रिपल बॉन्ड लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज। इस तीनों में देखना है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, खुद से सोच के बता सकते हो तुम लोग, कुछ भी नया नहीं है। 1, 2, 3 तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 कार्बन, ये क्या है sp2 कार्बन और एक लोन पेयर और एक सिंगल बॉन्ड sp कार्बन। नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ बताना मुझे। अब देखो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। तो यहाँ पे देखना है कि sp कार्बन पे लोन पेयर आ रहा है और हम लोग जानते हैं कि sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या रहता है, 3.25, 2.75 और ये 2.5। और हम लोग ये भी पता है कि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहाँ पे है, वो जो ज्यादा स्टेबल होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और ज्यादा स्टेबल है दैट मीन्स अपना लोन पे इसलिए डोनेट नहीं कर पाता है। और ये क्या यहाँ पे है, sp3 कार्बन पे लोन पेयर है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स ये लेस स्टेबल, और अगर ये लेस स्टेबल है दैट मीन्स ये सबसे ज्यादा बेसिक। यहाँ पे 1 सबसे ज्यादा बेसिक, देन सेकेंड, देन थर्ड, इसको अगर 1, 2, 3 बोल लिया जाता है। तो लॉजिकल पार्ट है, बिल्कुल सोचना है ध्यान से यहाँ पे कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लोन पेयर, ये लेस स्टेबल है दैट मीन्स ये ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि अपना लोन पेयर ये इजिली डोनेट कर पाता है, और ये मोर स्टेबल पे आ रहा है लोन पेयर दैट मीन्स ये लेस बेसिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग सोचें यहाँ पे, इस टाइप का जो भी एग्जाम्पल है उसको सोच सकते इस तरीके से यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें एक सिंपल सा एग्जाम्पल और देखें यहाँ पे हम लोग। NH2 और यहाँ पे NH2 आ रहा है। अब देखना है कि ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर और यहाँ भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर। तो मैक्सिमम केस में हम लोग नाइट्रोजेनियस बेस की बात करते हैं, नाइट्रोजेनियस बेस दैट मीन्स नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो, नाइट्रोजन का लोन पेयर को हम लोग चेक करते हैं कितना ज्यादा बेसिक है। इस दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे, सोच के बताओ। 1, 2 में बहुत ही सिंपल सा है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, दोनों नाइट्रोजन का 1 का ज्यादा है। नहीं सोचना, यहाँ पे नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, इस नाइट्रोजन का वो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है इसमें, इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर आ रहा है यहाँ पे वो लोकलाइज या डीलोकलाइज। डीलोकलाइज्ड सही है। और जब डीलोकलाइज है नाइट्रोजन का लोन पेयर, इस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन sp2 और उसमें भी किस कैटेगरी का, डीलोकलाइज, क्योंकि ये डीलोकलाइज आ रहा है। और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा सेकंड वाले का, sp3। यहाँ पे कोई डीलोकलाइजेशन नहीं, कोई पाई बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। और अभी जस्ट मैंने पॉइंट बताया था sp3 नाइट्रोजन है, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, वो ज्यादा स्टेबल रहेगा ही रहेगा वहां पे, ये ज्यादा बेसिक रहेगा। sp3 नाइट्रोजन हमेशा ज्यादा kb का वैल्यू रखता है, दैट मीन्स वो ज्यादा बेसिक है। सोचने का तरीका क्या है, सोचो कैसे कि सर यहाँ का लाइन नाइट्रोजन का लोन पेयर तो फिक्स है, और जब फिक्स है तो अपना लोन पे इजिली डोनेट कर पाएगा H+ को। यहाँ का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इजिली H+ को डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बेंजीनिन को भी लोन पेयर दे रहा है, और जब बेंजीनिन को लोन पेयर दे रहा है तो H+ को डोनेट करने का टेंडेंसी इसका कम हो जाएगा, दैट मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा सेकेंड का ज्यादा होगा,
फर्स्ट से, क्योंकि ये एसपी थ्री नाइट्रोजन आ रहा है। इस तरीके सोचना है कि ये तो डीलोकलाइज है, ये लोकलाइज है और एसपी थ्री भी है, दैट मीन्स ये ज्यादा बेसिक। एक और एग्जाम्पल देखें यहाँ पे हम लोग सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एन एच टू, नेक्स्ट है इसमें सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच एन एच टू सी एच थ्री सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड एन एच, नेक्स्ट है इसमें सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन एच, और लास्ट है सी एच थ्री सी एच टू सी एन। अब यहाँ पे इस पांचों में कंपेयर करना है, मैं ऑर्डर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर और ये फिफ्थ। तुम लोगों को पहले क्वेश्चन को नोट करो, और इसमें हर एक कार जितना भी नाइट्रोजन आ रहा है, क्योंकि लोन पेयर किसके पास है, नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर है, वही डोनेट कर सकता है, वही डोनेटेबल होगा। क्वेश्चन नोट करने के बाद हर एक नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। हर एक नाइट्रोजन का अगर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करोगे, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3। कहीं भी कोई डीलोकलाइजेशन वगैरह नहीं आ रहा है, sp3। देख लेते हैं क्या रहेगा ऑर्डर, जो भी रहेगा इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 सही है, sp2 डीलोकलाइज, sp3 डीलोकलाइज लोकलाइज होता ही नहीं, sp3 सिर्फ sp3 होता है, ये क्या हो जाएगा sp2 डीलोकलाइज, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 लोकलाइज्ड सही है बिल्कुल, ये क्या होगा sp2 होगा, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर किसी के साथ रेजोनेंस नहीं आ रहा, ये डबल बॉन्ड है बट इसके साथ कंजुगेशन नहीं है, ये sp2 लोकलाइज्ड। अब इस नाइट्रोजन का देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, यहाँ पर भी अगर sp डीलोकलाइज्ड सही है बिल्कुल, ये क्या है sp डीलोकलाइज्ड, क्योंकि ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन, ये वाले पाई बॉन्ड के साथ, इसके साथ कंजुगेशन नहीं है यहाँ पे, sp डीलोकलाइज्ड, और इस नाइट्रोजन का लास्ट में sp लोकलाइज्ड। बहुत ही आसान सा है, तो जैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लिया है, अब केबी का मुझे ऑर्डर पता है कि कैसे निकालना है, sp3 वाला नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, अब तो ऑर्डर आ जाएगा जो भी रहेगा अब ला सकते हो, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट के बाद फिर क्या रहेगा sp2 लोकलाइज और डीलोकलाइज। तो जब भी कंफ्यूजन हो कि sp2 डीलोकलाइज और sp2 लोकलाइज, तो सिंपल सा सोचना है कि यहाँ पे सर ये लोकलाइज है, दैट मीन्स फिक्स है, अपना लोन पे इसलिए डोनेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इस साइड अपना लोन पे डोनेट कर रहा है, तो H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का इसका टेंडेंसी कम हो जाएगा थर्ड वाले से, दैट मीन्स ये थर्ड वाले से लेस बेसिक हो जाता है यहाँ पे, इस तरीके से सोचना रहता है यहाँ पे। तो वन के बाद फिर क्या रहेगा थर्ड, थर्ड के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद क्या रहेगा फोर, और फिफ्थ में फिफ्थ का ज्यादा होगा, और लास्ट में फोर्थ आ जाएगा, इस तरीके से ऑर्डर हो सकते हो यहाँ पे। तो पीछे का जो ये हम लोग पॉइंट लिखे थे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, इसको याद रखना है कि sp3 नाइट्रोजन है, लेकिन इसको ज्यादा बेसिक हो पाएगा। फिर वो देख रहे थे हाइब्रिडाइजेशन का फैक्टर, इसमें भी कुछ एग्जाम्पल देख रहे थे, नेक्स्ट फैक्टर आता है इसमें, ये तीनों फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ में भी था, यहाँ पे एक नया फैक्टर होता है सॉल्वेंट इफेक्ट, इसको समझना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट, इसको प्रॉपर इसी टाइप जैसे मैं लिख रहा हूँ, नोट्स जब बना रहे हो प्रॉपर एरो लगा करके
किसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है, रीजन क्या है, रीजन नोट करना है। नेक्स्ट इफेक्ट है इसमें फोर्थ में, सॉल्वेंट इफेक्ट। अब इस पार्ट को ध्यान से समझोगे, यहाँ पे नया इफेक्ट है इसमें। अब यहाँ पे देख भी लोगे, उसके बाद नोट करो, मैं टाइम दूंगा प्रॉपर टाइम नोट करने का। एक यहाँ पे NH3 आ रहा हो H+, अब यहाँ पे एक आ रहा हो RNH2 आ रहा हो, ये भी अपना लोन पे डोनेट कर रहा है H+ को। नेक्स्ट है इसमें RNHR, आर का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, ये भी अपना H+ को अपना लोन पे डोनेट कर रहा हो। और यहाँ पे आ रहा हो NR, R और R, और ये लोन पे है, और ये H+। तो यहाँ पे देखना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताओ कि जो लास्ट वाला एग्जांपल है NR और R, तीन तीन R है, तो ये एमीन ग्रुप है, ये टर्सरी एमीन, ये सेकेंडरी एमीन, ये प्राइमरी एमीन, और ये क्या है अमोनिया। तो टर्सरी एमीन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 3 डिग्री एमीन, 3 लीटर के लिए 3 डिग्री एमीन है ये। ये क्या था, 2 डिग्री एमीन है। नाइट्रोजन का डिग्री कैसे चेक करते हैं, एमीन का डिग्री कैसे चेक करते हैं, नाइट्रोजन के बेसिस पे। नाइट्रोजन से जितना कार्बन कनेक्टेड है वही उसका डिग्री हो जाता है। इस नाइट्रोजन से तीन तीन अल्काइल ग्रुप, दैट मीन्स तीन तीन कार्बन कनेक्टेड है, ये 3 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन, ये प्राइमरी एमीन, और ये क्या रहता है, कोई भी कार्बन कनेक्टेड नहीं है, जिसको हम लोग 0 डिग्री एमीन बोल सकते हैं। यहाँ पे ये 0 है, ये 3, 2, 1 और ये 0। अब क्या होता है, यहाँ पे देखना है कि लोन पे डोनेटिंग टेंडेंसी किसका ज्यादा होगा। अगर ये पहले अपना लोन पे डोनेट करता है H+ को, तो ये क्या बन जाएगा इस केस में, N R R R, और ये H+। H+ जैसे ऐड होगा तो नाइट्रोजन अपना एक लोन पे डोनेट कर रहा है H+ को, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। सही, बिल्कुल, क्योंकि अपना एक लोन पे डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। बाकी केस में उसी टाइप से सोचना था, RNR, एक H पहले से था और एक H और आकर ऐड होगा, और यहाँ भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होगा इस केस में, RN, 2H पहले से था, 1H और आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे 3H पहले से था, एक लोन पे रहिए डोनेट करेगा, यहाँ पे ये भी लोन पे डोनेट करेगा H+ को, और ये क्या बन जाएगा, NH, और ये H पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखना है कि जो इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं वो एक्वस मीडियम में देख रहे हैं, सॉल्वेंट कुछ नहीं, अगर दिया हुआ तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, वाटर है सॉल्वेंट, एक्वस मीडियम में ये इफेक्ट देखना है। अब देखना कि नॉर्मल तरीके से सोचो, तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, तो इस नाइट्रोजन से तीन तीन प्लस आई नेचर का ग्रुप है। यहाँ पे ध्यान से सोचना है, कोई भी अल्काइल ग्रुप है तो वो किस नेचर का होता है, प्लस आई नेचर का, और प्लस आई ग्रुप कैसा होता है, डोनेटिंग नेचर का ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो। ये तीन तीन प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है इसको, यहाँ पे इसका जो लोन, जब इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तीनों साइड से, तो लोन पे डोनेटिंग टेंडेंसी इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा इस केस में, ध्यान से देख लोगे। तो प्लस आई वाले फैक्टर से देखें हम लोग, तो सबसे ज्यादा बेसिक जो होना चाहिए था, इस लास्ट वाले का होना चाहिए था 3 डिग्री एमीन का। यहाँ पे दो दो प्लस आई ग्रुप है, उसके बाद इसका होना चाहिए था, फिर उसके बाद इसका होना चाहिए था, और उसके बाद लास्ट में इसका। बट यहाँ पे एक इफेक्ट और भी काम करता है, कि जो वाटर है इसमें चार चार हाइड्रोजन है, और वाटर क्या करता है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू नाइट्रोजन का ज्यादा है, तो NH में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कम रहता है, नाइट्रोजन का ज्यादा है, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और एक नाइट्रोजन पे कौन सा रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम है। अब जो वाटर एक्वस मीडियम में अगर ये इफेक्ट देख रहे हैं, तो जो इसका पार्शियल पॉजिटिव पार्ट था, पॉजिटिव डायपोल, तो वाटर का जो होता है इसमें OH और H, तो वाटर में जो ऑक्सीजन है इस पर कौन सा चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव।
तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन का पॉजिटिव डायपोल और वाटर में जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव डायपोल है इसके बीच में इंटरेक्शन होता है और इसको बोलते हम लोग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ऐसा कुछ पड़े हो गए केमिकल बॉन्डिंग में, वैंडर वाल फोर्सेस में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे चार हाइड्रोन एटम है, चारों हाइड्रोन एटम यहाँ पे एक वाटर दिखा रहे हैं बट यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये भी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से स्टेबलाइज हो रहा होगा, ये भी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से स्टेबलाइज होता है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है ये, और ये जो पार्ट है यहाँ पे OH। तो जो अमोनिया है जब इसका कंजुगेट एसिड बन जाता है H+ को एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पे ये चार चार वाटर मोलिकूल से स्टेबलाइज हो रहा है बाई डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। इसको हम लोग कौन सा अट्रैक्शन नाम देते हैं, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। नाम तो सुने होगा ऐसा कुछ केमिकल बॉन्डिंग में। यस सर। हाँ उसी का यहाँ सही है, उसी का हम लोग यूज यहाँ पे कर रहे हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। ये भी पॉजिटिव डायपोल और ये नेगेटिव डायपोल वाटर का, यहाँ पे चार चार वाटर मॉलिक्यूल से स्टेबलाइज हो रहा है कंजुगेट एसिड। यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन मैं शॉर्ट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे तीन वाटर मॉलिक्यूल से स्टेबलाइज हो रहा होगा और यहाँ पे डायपोल डायपोल अट्रैक्शन आ रहा होगा इस केस में। यहाँ पे दो ही हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे दो ही वाटर मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो रहा होगा ये, और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। यहाँ पे अब होता क्या इस केस में, यहाँ पे कि अगर सिंपली प्लस आई इफेक्ट से देखते हैं तो प्लस आई इफेक्ट अगर देखोगे इसमें यहाँ पे तो सबसे ज्यादा नेचर जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो लास्ट वाले का रहेगा 3 डिग्री एमीन का। बट अगर स्टेबिलिटी से चेक करें कंजुगेट बे ये जो कंजुगेट एसिड बना हम लोग क्या बोलते हैं कंजुगेट एसिड, जब भी कोई बेस H+ को एक्सेप्ट करता है वो क्या बन जाता है कंजुगेट एसिड। और कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी से चेक करते हैं तो जो फर्स्ट वाला है वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है बाय डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। तो दो चीजें यहाँ पे एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है, प्लस आई के फैक्टर से देखें ये सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन सॉल्वेंट इफेक्ट देखें वाटर का जो इफेक्ट होता है तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन से ये अमोनिया के कंजुगेट एसिड को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करता है। और जब एक तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्वेंट इफेक्ट से देखें तो अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए क्योंकि इसका कंजुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। तो जब दो चीजें एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करता है यहाँ पे इसमें जो ऑर्डर हम लोग निकालेंगे कुछ बीच का रास्ता निकलता है इसमें यहाँ पे, तो इसमें जो केबी का ऑर्डर आता है यहाँ पे तो सेकेंड 2 डिग्री एमीन जो है यहाँ पे है इसमें दो सॉल्वेंट इफेक्ट भी लग रहा है बाय डायपोल डायपोल अट्रैक्शन और यहाँ पे क्या रहा है इसके इसमें दो दो प्लस आई ग्रुप भी है। तो जो सॉल्वेंट इफेक्ट और प्लस आई दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है वो सेकेंड डिग्री का सबसे ज्यादा होता है, तो 2 का सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 1 और फिर 0 सबसे लास्ट में आते हैं। 2, 3, 0 का मतलब क्या यहाँ पे है कि अगर 3 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री R2NH है, दैट मींस 2 डिग्री एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर R3N, फिर RNH2 और लास्ट में NH2, ये सबसे लास्ट में आएगा यहाँ पे। इस टाइप को देखना था यहाँ पर लोग कोडिंग में याद रखना था इस केस में यहाँ पे, और कोडिंग में देखोगे तो R2NH 2 डिग्री एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री का R3N है, फिर 1 डिग्री का और फिर क्या रहा यहाँ पे NH3 का। अब यहाँ पे ये जो ऑर्डर आता है ये मेनली जब R का वैल्यू क्या हो इथाइल हो, R का वैल्यू इथाइल हो या बाकी ग्रुप के लिए यही ऑर्डर आता है, बट KB का जो ऑर्डर है वो अलग हो जाता है और वो अलग क्या हो जाएगा 2, 1, 3, 0 2, 1, 3, 0 और ये ऑर्डर कब आता है जब R का वैल्यू क्या हो जाए यहाँ पे CH3 और CH3 होने का मतलब क्या है मिथाइल है। तो मिथाइल वाले केस में क्या रहता है 2 डिग्री एमीन तो हर केस में ज्यादा रहता है चाहे कोई भी सिचुएशन है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा CH3NH2 और उसके बाद फिर यहाँ पे 2 डिग्री एमीन CH3 5N और लास्ट में
जबकि फाइन ग्रुप है उसके लिए हम लोग ऑर्डर फॉलो करते हैं तो प्रॉपर नोट कर लो गए बेसिकली इसको यहाँ पे थोड़ा कुछ याद भी रखना पड़ता है कि यहाँ पे दोस्त ने एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करता है इस केस में ऑर्डर ये अलग से आता है इस टाइप का इसको नोट कर लो गए पहले प्रॉपर और ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है एक्वस मीडियम में जब भी पूछा जाता है तो केबी का जो ऑर्डर रहेगा यहाँ पे तो क्या होगा इस केस में 2310 और अल्काइल ग्रुप क्या हो इथाइल हो मेनली इथाइल मिथाइल के लिए पूछा जाता है तो इथाइल होगा तो ये ऑर्डर फॉलो करेंगे और जब मिथाइल होगा तो 2130 ये 2130 का मतलब क्या है कि 2 का मतलब सेकेंडरी अमीन है ये 3 का मतलब क्या है टर्शियरी अमीन है 1 का मतलब क्या है प्राइमरी अमीन है और 0 का मतलब क्या रहा यहाँ पे अमोनिया है वो तो ये जब एक्वस मीडियम में पूछा जाए या कुछ नहीं भी दिया रहे तो वो ये ऑर्डर फॉलो करेंगे इसको नोट करो और यही सेम क्वेश्चन गैसियस मीडियम में अगर पूछा जाए कहीं पे गैसियस मीडियम या गैसियस फेज तो गैसियस फेज में जो ऑर्डर रहेगा यहाँ पे केबी का देखो उसको नोट भी करो और सोच के बताओ जब गैसियस मीडियम में होगा तो सॉल्वेंट पर खत्म हो जाएगा सॉल्वेंट पर अपना काम नहीं कर पाएगा और जब सॉल्वेंट पर अपना काम नहीं करेगा तो उसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पर तो उसको नोट भी करना है प्रॉपर इस वाले पार्ट को सही है बिल्कुल इन अब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट इफेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा वहां पे 4321 या फिर 3210 इन गैसियस तो दोनों लिख सकते हो अगर डिग्री वाइज देखो या नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 तो डिग्री वाइज अगर देखें यहां पे तो ये 3 डिग्री है मीन तो गैसियस फेज में क्या रहेगा सिर्फ प्लस आई का फैक्टर देखना है उसमें क्या रहेगा 3 का 3-3 प्लस आई है तो 3 डिग्री है मीन का सबसे ज्यादा देन 2 डिग्री है मीन ये डिग्री वाइज हम लोग देखना है बेसिकली फिर 1 डिग्री और फिर क्या रहेगा 0 डिग्री वाले का यहाँ पर 0 डिग्री आई मीन दैट मीन्स वो अमोनिया को बोल रहे हैं 0 डिग्री वैसे 0 डिग्री कुछ होता नहीं है बट 0 डिग्री हम लोग अमोनिया को यहाँ पे दे रहे हैं यहाँ पर ये प्राइमरी ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी आई मीन तो गैसियस मीडियम में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो इस ऑर्डर को फॉलो करना है और एक्वस मीडियम में जब पूछा जाए तो फिर उसको एक अलग से कोडिंग में याद रखना इस टाइप से इथाइल होगा तो 2310 और मिथाइल होगा तो 2130 तो 20 तो हमेशा लास्ट में बट इथाइल आता है तो उसमें 3 आगे आ जाता है चलो नोट कर लिया होगा यहाँ तक सब लोग अब इसमें आगे देखना यहाँ पे कि ये फोर्थ इफेक्ट था सॉल्वेंट इफेक्ट जो कि एसिड रिएक्शन में इफेक्ट नहीं था ये सिर्फ बेस रिएक्शन में इफेक्ट आता है नेक्स्ट इफेक्ट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट होगा इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलने का मतलब क्या है इसमें जितना भी इफेक्ट आता है प्लस आई माइनस आई प्लस एम माइनस एम हाइपर कंजुगेशन सब कुछ आ जाता है इसमें तो इफेक्ट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट
इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब इसमें देखना यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है तो केबी का जो वैल्यू होगा, जो लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगा, जैसे कि वो यहाँ पे बोल रहे थे कि कोई प्लस आई का ग्रुप है जिसको जब इलेक्ट्रॉन दे रहा था इस नाइट्रोजन को, इसका लोन पे डोनेटिंग टेंडेंसी भी क्या है, ज्यादा है। जब भी डोनर ग्रुप कनेक्टेड होगा नाइट्रोजन एटम से या जो भी लोन पे डोनेटिंग एटम है उससे कनेक्टेड है कोई भी डोनर ग्रुप, उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, केबी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो जब भी प्लस आई प्लस एन और हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट, दैट मीन्स डोनर ग्रुप कनेक्टेड हो, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करता है, वाइल माइनस आई एंड माइनस एन डिक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि ये कैसा ग्रुप है, एक्सेप्टर ग्रुप है। और लोन पेयर को जो अपनी तरफ ही एक्सेप्ट कर लेगा ये एक्सेप्टर ग्रुप, तो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी जो होगा एच प्लस को, अपना लोन पे डोनेट नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स वो लेस बेसिक। तो इस टाइप से सोचना रहता है यहाँ पे। तो बेसिक स्ट्रेंथ में बस यही पॉइंट देखना है कि प्लस आई प्लस एम एच सी बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, केबी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और माइनस आई माइनस एम क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो एग्जाम्पल से देखें, इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स आएंगे इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एन एच टू सी एच थ्री स्टेप्स लिखो इसको यहाँ पे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू एन एच टू। नेक्स्ट है इसमें सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच एन एच टू, और एक और लास्ट में यहाँ पे सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड एन एच। इसमें कुछ हाइब्रिडाइजेशन वाला भी फैक्टर मिक्स है, इसको सोचना यहाँ पे। इसको मैं नंबरिंग कर दूँ वन टू थ्री फोर, एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहले यहाँ पे हर एक नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो हर एक नाइट्रोजन का अगर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं हम लोग इस केस में यहाँ पे, तो इस नाइट्रोजन का देखना है सबसे पहले। तो ये क्या आ जाएगा इसमें sp3 इस नाइट्रोजन का sp3 ही रहेगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन का भी लोन पेयर किसी के साथ कंजुगेशन नहीं है और कोई पाई बॉन्ड भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो तीन सिग्मा बॉन्ड और एक लोकल आई लोन पेयर, दैट मींस sp3 इस नाइट्रोजन का sp2 और कैसा रहेगा, डी लोकलाइज क्योंकि ये कंजुगेशन में आ रहा है। और लास्ट वाले का sp2 localized. सही है सब लोगों के sp2 localized। अब जैसे ये पता चल गया, अब इतना तो क्लियर है sp3 वाला ज्यादा बेसिक होगा sp2 वाले से, दैट मीन्स 1 और 2 क्या है, ज्यादा बेसिक है। अब 1-2 में कैसे डिसाइड करेंगे, तो 1-2 में डिसाइड करने के लिए यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ये पूरा का पूरा प्लस आई की तरह काम करेगा, लेकिन यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड है ये, अब इसमें सोचना है कि ये जो कार्बन था ये sp3 कार्बन था और ये sp2 कार्बन आ गया, डबल बॉन्डेड कार्बन आ गया, sp2 कार्बन आ गया ये। और जब sp2 कार्बन आ जाएगा इस केस में यहाँ पे, तो ये sp3 कार्बन से मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है, और sp3 कार्बन से अगर मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है और ये कंजुगेशन में भी नहीं आ रहा, तो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा, माइनस आई। याद करो माइनस आई का डेफिनेशन क्या था, एन एटम और ग्रुप विच इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन sp3 कार्बन और हाइड्रोजन, कि sp3 कार्बन से मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव sp2 आ रहा है, दैट मीन्स ये ज्यादा इसके एस्पेक्ट में मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, दैट मीन्स ये माइनस आई। तो फर्स्ट एंड सेकेंड में ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि सेकेंड वाला तो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है ये डबल बॉन्ड के चलते। अब 1-2 के बाद देखना था यहाँ पे 1-2-4-3 सही ऑर्डर 1-2 आ गया, उसके बाद फिर तो ये दोनों में पता है कि लोकलाइज वाला ज्यादा बेसिक है, तो 4 आ जाएगा और फिर क्या रहेगा 3। इस टाइप से हम लोग सोच पाते हैं यहाँ पे 1-2-4-3।
तो मेनली वन टू में कंपेयर करना था, बाकी तुम लोग पीछे कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अब यही क्वेश्चन अगर इस टाइप से आ जाए यहाँ पे, एन एच ओ लोन पेयर आ रहा है यहाँ पे, एन एच ज्यादातर नाइट्रोजीनियस बेस रहता है, दैट मीन्स नाइट्रोजन वहां पे इन्वॉल्व होगा, एच लोन पेयर आ रहा है यहाँ पे, एन और यहाँ का लोन पेयर, इसमें ऑर्डर क्या रहेगा सोच के बताओ। सेमी क्वेश्चन है बेसिकली, ऊपर वाला और ये बस ये रिंग में दे दिया गया है। सबसे पहले हर एक नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो, आउट करो और ऑर्डर खुद से निकालो, बताओ अंदर क्या रहा चैट में, वन टू थ्री फोर में से। चलो सोचते हैं यहाँ पे आंसर आ रहा है इसमें, चलो नहीं के वन टू फोर थ्री, वन टू फोर थ्री सही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, हाइब्रिडाइजेशन निकालना था sp3, इसका भी sp3, इस नाइट्रोजन का sp2 डीलोकलाइज रेजोनेंस में है इसके साथ, और इस नाइट्रोजन का sp2 लोकलाइज। अब यहाँ पे कोई डबल बाउंड नहीं है, और यहाँ पे जब यही डबल बाउंड कंजुगेशन नहीं रहता है, यही डबल बाउंड क्या काम करेगा, ये माइनस आई की तरह, माइनस आई इफेक्ट, सही है बिल्कुल। फर्स्ट एंड सेकंड में कंपेयर करने के लिए, तो फर्स्ट में कोई भी माइनस आई नहीं लग रखा है, सेकंड में माइनस आई है, तो माइनस आई क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ और कम करता है, वन के बाद फिर क्या आ जाएगा टू, टू के बाद फिर क्या ऑर्डर रहेगा इसमें फोर, क्योंकि वो एसपी टू लोकलाइज है और ये डी लोकलाइज है, तो जो लोकलाइज है उसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, इजिली अपना लोन पेयर डोनेट कर पाएगा, तो फोर के बाद फिर थर्ड आएगा, इस टाइप से सोचना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, यहाँ पे हम लोग तो अभी तो हम लोग जो कर रहे हैं मैक्सिमम नॉर्म लग रहा है बहुत आसान है, और ये आसान है भी, बट ऑर्गेनिक में एक ही काम करोगे, इसको रेगुलर रिवाइज करते रहोगे, इसको कभी भी ऐसा नहीं कि 15 दिन एक महीने छोड़ दिए इसको रिवाइज नहीं करेंगे, इसको रिवाइज नहीं किए ये फिर भूल जाओगे चीजें, तो पढ़ते वक्त आसान लगता और आसान है भी, बट ये रिविजन पहुंचता है रेगुलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, NH2 NH2 नेक्स्ट है इसमें C डबल बॉन्ड NH2, नेक्स्ट है इसमें S डबल बॉन्ड NH2, अब इस केस में देखना यहाँ पे हर जगह नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कौन सा नाइट्रोजन का लोन पेयर इसलिए डोनेट करेगा, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाए कि चारों में से मोस्ट बेसिक कौन सा है, उसका आंसर क्या रहेगा, वो तो आसान था बताओ उसका, चारों में से मोस्ट बेसिक फर्स्ट, सही है, दो लोगों के आंसर आ रहे हैं फर्स्ट, सब लोग आ रहे हैं इसमें फर्स्ट आ रहा है, तो आसान था। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट बेसिक कौन सा है, तो फर्स्ट सही है बिल्कुल। कैसे सोचते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन क्या आ रहा है इसमें sp3 आ रहा है, और बाकी केस में sp3 नहीं आ रहा है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp2 डीलोकलाइज्ड, इसका भी sp2 डीलोकलाइज्ड, और ये भी क्या है sp2 डीलोकलाइज्ड, मैं शॉर्ट में डी लिख देता हूँ डीलोकलाइज के लिए, डी डीलोकलाइज्ड। अब देखने के डीलोकलाइज्ड तीनों है, तो इस तीनों का फिर कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखने के जो नाइट्रोजन का लोन पेयर वो बेंजीन इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, जब रेजोनेंस कराएंगे तो ये लोन पे जैसे डोनेट करती है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आफ्टर रेजोनेंस, यहाँ पे जब रेजोनेंस कराएंगे तो लोन पे इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड ओपन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज,
अब देखने कि यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल या ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज वो ज्यादा स्टेबल? ऑक्सीजन 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 सही है सब लोगों के, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। और ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो ये जो सी डबल बॉन्ड वो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज्यादा लोन पर अपनी तरफ एक्सेप्ट कर पाता है, जो टेंडेंसी होता है लोन पर को एक्सेप्ट करने का वो ज्यादा होता है। तो सी डबल बॉन्ड ओ को हम लोग बोलते भी हैं स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग। इसे कंपेयर कर रहे हैं बेंजीन रिंग से, एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग, एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग। लॉजिक सिंपल सा है कि यहाँ पे जब रेजोनेंस कराते हैं तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल तो ये स्टेबल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन अपने तरफ इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे पता चल गया कि जो बेंजीन है उसके रेस्पेक्ट में जो थर्ड वाला है सी डबल बॉन्ड वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ एक्सेप्ट कर लिया। जब इधर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एच प्लस को डोनेट करने का इसका टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज रेस्पेक्ट टू सेकेंड, तो सेकेंड ज्यादा बेसिक हो जाएगा थर्ड से। अब थ्री और फोर में कंपेयर करें तो थ्री और फोर में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे लो नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे ये भी एस डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा और ऊपर का जो पाई बॉन्ड है एस डबल बॉन्ड हो ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे एक ही सी डबल बॉन्ड वो था, यहाँ पे दो दो एस डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड है, तो ये दो दो स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर लगा हुआ है, लेट मी सी और भी ज्यादा लोन पेयर को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेगा। तो एच प्लस को लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी इसका बिल्कुल कम हो जाएगा, ये लास्ट में आ जाता है बिल्कुल। तो इस तरीके से सोचना रहता है यहाँ पे। चारों कंपाउंड का नेम भी पता हो, फर्स्ट वाले कंपाउंड का क्या नेम रहता है, साइक्लोहेक्सेनामीन, आईपीएस नेम तो बता सकते हो उसका, साइक्लोहेक्सेनामीन। सेकेंड वाले का नेम क्या है, बेंजेनामाइन, बेंजेनामाइन या स्पेशल नेम भी था कुछ इसके लिए, क्या था स्पेशल नेम, एनिलीन नहीं, एनिलीन बेंजीन के ऊपर एनिस्टो तो एनिलीन, एनिसोल का होता था जब ओ सी एस थ्री था एनिसोल, और वेज था तो फिनॉल, बाकी बेंजेनामाइन भी बोलते हैं बट स्पेशल नेम क्या है इसके लिए, एनिलीन, क्योंकि ज्यादा यूज किया जाता है। थर्ड वाले का नेम क्या होता है, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, सही है बेंजीन कार्बोक्सामाइड। ये सब लोगों को पता हो, अब ऐसा नहीं कि एग्जाम में तुम्हें स्ट्रक्चर ही दिया रहेगा, बेसिक नेम पता है तो नेम ही दे दिया जाए तो उसका हम लोग कर सकते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। बेंजीन कार्बोक्सामाइड या बेंजामाइड शॉर्ट में बोलते हैं, बेंजामाइड। और लास्ट वाले का जो नेम होता है बेंजीन सल्फोनामाइड, क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, इस टाइप से याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो इसमें यहाँ पे है कि ये नेम के साथ भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो नेम के साथ भी इसको याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे NH2 N इस तीनों कंपाउंड का नेम क्या है बता सकते हो? फर्स्ट का तो नेम अभी मैंने बताया, क्या है फर्स्ट का नेम, एनिलीन। सेकेंड का नेम क्या रहा था, पीरिडीन, और थर्ड वाले का पायरोल, मैंने क्लास में बताया था जब एरोमेटिक पढ़ रहे थे, एनिलीन, पीरिडीन और ये पायरोल। अब इस तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है हम लोगों को, तो सबसे पहले हर एक कार्बन का ये हर एक नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, कि इस नाइट्रोजन का क्या रहेगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2d, सही है बिल्कुल sp2d लोकलाइज। इस नाइट्रोजन का sp2 लोकलाइज, sp2 लोकलाइज। मैंने बताया था जब एरोमेटिसिटी पढ़ रहे थे कि पिरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज होता है, दिखने में लगता है कि कंजुगेशन में है
बट यहाँ पे कोई कंजुगेशन नहीं होता है, क्योंकि जब कंजुगेशन होगा तो कंटिन्यूस डबल बॉन्ड रिंग में आ जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे तीनों पाई बॉन्ड ही आपस में रेजोनेंस में होता है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे फिक्स होता है, दैट मींस sp2 लोकलाइज, और यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन sp2 ही रहेगा क्योंकि लोकलाइज ये भी कंजुगेशन में आ रहा है, डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ लोन पेयर। यहाँ पे जैसे ये इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ये तो नॉर्मल कंजुगेशन है यहाँ पे sp2 डीलोकलाइज। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, तीनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा रहेगा? sp2 localized. Second. सही है। अब फर्स्ट एंड थर्ड में देखना है कि दोनों sp2 डीलोकलाइज, तो आप ये कैसे चेक करते हैं? तो यहाँ पे देखना है कि जो नाइट्रोजन, अब देखना है कि जो एनिलीन है इसमें जो बेंजीन रिंग है ये एरोमेटिक है, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, नाइट्रोजन के लोन पेयर के कारण ये रिंग एरोमेटिक नहीं बन रहा। ये तीनों पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा था, दैट मीन्स एरोमेटिक है। लेकिन यहाँ पे जो पायरोल है ये भी एरोमेटिक है, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये भी एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक अगर है तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, 6, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये और एक ये लोन पेयर को भी पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपली बोलेंगे इस केस में कि लोन पेयर इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, लोन पेयर इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, रिंग को एरोमेटिक बनाने में लोन पेयर इन्वॉल्व है, और जब रिंग को एरोमेटिक बनाने में इन्वॉल्व है लोन पेयर, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा एरोमेटिक के चलते यहाँ पे। तो जब यहाँ पे लोन पेयर एरोमेटिक में इन्वॉल्व हो गया तो ये लोन पेयर बिल्कुल नहीं डोनेट कर पाएगा, इसका टेंडेंसी और भी कम हो जाएगा, ये फर्स्ट से भी कम हो जाएगा थर्ड। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, फर्स्ट एंड थर्ड में, फर्स्ट में ये जो लोन पेयर आ रहा है इस लोन पेयर के कारण रिंग एरोमेटिक नहीं बन रहा है बेंजीन रिंग, लेकिन पायरोल में क्या हो रहा है, यहाँ का जो लोन पेयर है इस लोन पेयर के कारण रिंग एरोमेटिक बन रहा है, यहाँ का जो लोन पेयर वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, और जब एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया तो ये लोन पेयर बिल्कुल भी डोनेट नहीं कर पाएगा एच प्लस, दैट मीन्स ये सबसे लेस बेसिक। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले मैंने स्टार लगाया है, इसको सोचना था इस टाइप से। नेक्स्ट है इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल बस ध्यान से सुनते जाओगे, बहुत ही आसान सा पार्ट रहता है, सी डबल बॉन्ड लो NH, NH सी डबल बॉन्ड ओ, थर्ड वन नेक्स्ट वाइस में यहाँ पे NH, सी डबल बॉन्ड और एक लास्ट में आ रहा है यहाँ पे NH, यहाँ पे सोचना, ये भी एक सोचने वाला क्वेश्चन है, ये भी का जो ऑर्डर रहेगा हर केस में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है यहाँ पे, यहाँ पे अगर सोचोगे इस केस में यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर आ रहा है तो सबसे ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे देखना कि फर्स्ट वाले में नाइट्रोजन का लोन पेयर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कंजुगेशन में, बाकी सब sp2 डीलोकलाइज है, बट यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कंजुगेशन में यहाँ पे दोनों साइड कंजुगेशन में आ रहा है,
दोनों, इधर भी इलेक्ट्रॉन देगा इधर भी दे रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ इसको दे रहा है, यहाँ पे कंजुगेशन में आ रहा है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर आ रहा है बेंजीन को दे रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखना इस केस में यहाँ पे, तो देखने के सबसे लेस बेसिक की बात करें तो लेस बेसिक में जो सेकंड वाला फिगर है ये इधर भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है इधर भी दे रहा है, तो एच प्लस को डोनेट करने का टेंडेंसी इसका बिल्कुल कम हो जाएगा, तो सेकंड तो सबसे लास्ट में। अब देखने की यहाँ पे इस केस में फर्स्ट एंड थर्ड में, तो फर्स्ट एंड थर्ड में ये सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कंजुगेशन में, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन के साथ कंजुगेशन में, तो दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, सी डबल बॉन्ड ओ या बेंजीन रिंग नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है? सी डबल बॉन्ड ओ। सही है, सी डबल बॉन्ड ओ। मैंने अभी एक पॉइंट दिखाया था इसी के लिए कि सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर एज कम्पेयर टू बेंजीन रिंग, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा इस केस में, यहाँ पे ओवरऑल क्या रहेगा इस केस में, यहाँ पे इसका ज्यादा आ जाएगा यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा क्या रहेगा इस केस में यहाँ पे, फोर्थ का ही। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट फर्स्ट एंड थर्ड में यहाँ भी सी डबल बॉन्ड ओ एन एच और यहाँ भी सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एन एच आ रहा है, इसको इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल पाएगा इस सी डबल बॉन्ड ओ को, और जब इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इधर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी क्या वो कुछ कम होगा, जबकि इसमें एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस सी डबल बॉन्ड ओ को, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स उसके बाद फर्स्ट आ जाता है उसके बाद थर्ड। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, फोर्थ सबसे ज्यादा क्यों बेसिक, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर आ रहा है इस सी डबल बॉन्ड ओ, और सबसे लास्ट में सेकंड था, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था, एक मिनट यहाँ पे देखना था कि फोर्थ जो आ रहा है सबसे ज्यादा बेसिक, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर सिर्फ बेंजीन को दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो था फर्स्ट एंड थर्ड में ये सी डबल बॉन्ड ओ को दे रहा है कंजुगेशन उसके साथ, दैट मीन फोर्थ और ज्यादा स्टेबल। वन और थ्री में देखें तो वन और थ्री में सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है इधर से, स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है, यहाँ पे इधर से इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, बट इधर से भी जब इलेक्ट्रॉन देगा सी डबल बॉन्ड ओ को, इधर से इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कम हो जाता है, दैट मीन्स फर्स्ट ज्यादा बेसिक हो जाएगा थर्ड वाले से। एक थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों में नहीं आता, बट एक क्वेश्चन एक्सरसाइज टू में इस टाइप का वो क्वेश्चन सेम यहाँ पे लिया गया है। चलो और भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें, बट फिर से मेरा क्लास भी है अभी 11:30 तक का इस साइड टाइम है तुम लोगों का इसमें, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाएंगे इसमें यहाँ पे, बट हम लोग सफिशियंट एग्जाम्पल कर चुके हैं, बेसिक स्ट्रेंथ का भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है, बाकी उसको मत करना अभी, और भी एग्जाम्पल करेंगे, एक इफेक्ट और भी रहता है इसमें, ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पर भी आएगा, तो लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ तक का सेक्शन तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो यहाँ पे। और कोई डाउट हो आज के लेक्चर में तो पूछ सकते हो अभी। तो देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।